हेलो बच्चों, प्लेसमेंट सेल इंडिया में आपका स्वागत है। मैं प्रमोद कुमार पांडे आज आपको कानपुर के इंडियन एयरफोर्स में निकली हुई अप्रेंटिसशिप के बारे में जानकारी देने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि अपने कानपुर में बहुत सारे पब्लिक सेक्टर्स भी हैं जिसमें अप्रेंटिसशिप या जॉब निकलती रहती है। अभी जो फिलहाल अप्रेंटिसशिप निकली है वो इंडियन एयरफोर्स में है। इस कंपनी में मशीनिस्ट की जो वैकेंसी है लगभग 20 है, फिटर 33 है, 33, टर्नर की 14 है, वेल्डर की है 15 वैकेंसी, कारपेंटर भी है यहाँ पे आपकी लगभग 6 वैकेंसी है, सीट मेटल की भी है 8, इसी प्रकार इलेक्ट्रिशियन की भी 21 वैकेंसी है, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल 4, फोर्ज एंड हीटर की 5 है, मैकेनिकल मशीन टूल मेंटेनेंस की 7 हैं, सीएनसी प्रोग्रामर कम ऑपरेटर की 4 हैं, इसी प्रकार लिपेयरिंग एंड पावर कोटिंग ऑपरेटर की 2 हैं, मशीनिस्ट ग्राइंडर की 2 हैं, केमिकल लैब असिस्टेंट की 2 हैं, मोटर मैकेनिक व्हीकल की 3 वैकेंसी है, फिटर स्ट्रक्चरल की 5 वैकेंसी है, पावर इलेक्ट्रिशियन की 2 वैकेंसी है, टेक्नीशियन ऑटोमोटिव की 2 वैकेंसी है। तो काफ़ी वैकेंसी लेके इंडियन एयरफोर्स आपके लिए लेके आया है। मैं बता दूं यहाँ पर जो एज लिमिट है वो एज का कोई बाउंडेशन नहीं है, आप भर सकते हैं, 18 आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए। इसकी लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट जो कंपनी दे रही है उसका 25 जून 2024 है और रिटर्न एग्ज़ाम आपका होगा 21 जुलाई 2024 को। डिक्लेरेशन मेरिट लिस्ट बनेगी 8 अगस्त को और कोर्स कमेंसमेंट जो आपका कोर्स चालू होगा 27 अगस्त 2024 से। अप्लाई कैसे करना है मैं बता दूं आपको। जिन बच्चों ने अपनी 10वीं किया है और साथ ही साथ उसने ITI किया हुआ है, लगभग 50% मार्क्स आपके होने चाहिए तो वो बच्चा यहाँ अप्लाई कर सकता है। ITI में लगभग आपका 65% मार्क्स आपका होना चाहिए। तो पहले तो आपको अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर, अप्रेंटिसशिप इंडिया पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। इसके बाद फिर आप इंडियन एयरफोर्स के साइट पर जाइए, उनकी साइट पर जाके आपको सारा डिटेल भरना होगा। यहाँ पर रिजर्वेशन का प्रोसेस भी रहता है, जैसे SC ST OBC और हैंडीकैप्ड वाले बच्चों के लिए रिजर्वेशन का ऑप्शन होता है, वो बच्चे रिजर्वेशन ऑप्शन भी डाल सकते हैं। साथ ही साथ मैं बता दूँ जो इसमें आपको स्टाइपेंड मिलेगा कंपनी प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर है तो यहाँ पर स्टाइपेंड आपको मिलेगा लगभग 9,000 रुपये, इतना स्टाइपेंड रहेगा। स्टाइपेंड के बाद आपको मेडिकल फैसिलिटी भी कंपनी प्रोवाइड करती है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स में जो भी इनके प्रोसेसेस होते हैं वो आपको सारी चीज़ मिलेंगी। तो बहुत सिंपल सा अप्लाई करने का प्रोसेस है, आप इंडियन एयरफोर्स के साइट पर जाइए, इंडियन एयरफोर्स कानपुर के साइट पर जाइए और वहाँ जाकर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैं बता दूँ एक नंबर भी दिया गया है, 0512-2457-668, फिर से बता दूँ 0512-2457-668, इस पर आप कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा चांस है बच्चों के लिए जो अभी अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, और इसमें मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, सबके लिए अच्छा चांस है। और इंडियन एयरफोर्स कानपुर में ये वैकेंसी निकली हुई है तो सभी बच्चे अप्लाई करें। और लास्ट डेट मैं फिर से मैं आपको बता दूँ कि 25 जून है, 25 जून तक सभी बच्चे अप्लाई कर दें। जो बच्चे चाहते हैं उन्हें सरकारी अप्रेंटिसशिप मिले, वो भी HL इंडियन एयरफोर्स टाइप की कंपनियों में, तो अच्छा मौका है आप लोगों के लिए, आप लोग ज़रूर अप्लाई करिए। तो इसी प्रकार मैं आगे भी सरकारी डिपार्टमेंट्स में आपके लिए अप्रेंटिसशिप लाता रहूँगा। अभी तक के लिए जय हिंद, जय भारत।